नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सलोनी। चलिए रुक करते हैं समाचार की ओर। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा की जा रही टारगेट किलिंग एवं निर्मम हत्याओं के विरोध में सांकेतिक कैंडल मार्च निकालकर आपके कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट ऑफिस शहीद स्मारक पर आपने कैंडल मार्च निकालकर शहीद विजय कुमार को श्रद्धांजलि दी। झंडे और बैनर पकड़कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांगरोली मैन चपाटी पर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। संभाग कोऑर्डिनेटर अमित वर्मा ने कहा कि सरकार जम्मू की सुरक्षा को लेकर सिर्फ बड़े बड़े दावे कर रही है, लोग पलायन कर रहे हैं। पंडितों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में सरकार असफल सिद्ध हो रही है। जिला कोऑर्डिनेटर दिनेश चंद्र सानाडे ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ आज वही हो रहा है जो 90 के दशक में उनके साथ हुआ था। उनके घरों, दफ्तरों और सड़कों पर निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है। युवा नेता पप्पू लाल कीर ने कहा कि द कश्मीर फिल्म पर नकली आंसू बहाने वाली बीजेपी आज चुप है। 1990 के बाद आज फिर 2022 में भी कश्मीर पंडितों की हत्याओं के लिए आतंकवादियों के साथ साथ बीजेपी भी जिम्मेदार है। 1990 में बीजेपी के समर्थन वाली सरकार, 2022 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। इस दौरान अमित वर्मा, दिनेश चंद्र सांडे, पप्पू लाल कीर, कमांडो मनोहर सिंह, तेजमल जैन, हरी सिंह जी, रामलाल सुथार, एडवोकेट भरत पालीवाल, जमुना कुमारी कीर, तिलकेश राजेंद्र पटेल आदि मौजूद रहे।